हद होती है बेशर्मी और हठधर्मी की भी। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तबरेज के कमरे में नहीं जाना तो क्यों गई थी वहां? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी और मेरा हुक्म चलता है। जब मैंने तुमसे कह दिया कि अपने घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना तो समझ लो कि मेरी बात पत्थर पर लकीर है और गलती से भी भूल के भी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगी, समझी? अम्मी, अम्मी, राहिल, क्या हुआ अम्मी? अलीज़े, अलीज़े, क्या हुआ अलीज़े को? सब खैरियत तो है ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने अपने कानों से सुना। आपकी फोन पे बात हुई है क्या? हाँ, अभी कुछ देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। बस चंद लम्हे मैंने अपने बच्चे की आवाज सुनी। उसके बाद वो लीज़े को बहुत बातें सुना रही थी। मैं यहाँ पे बस उसे रोक नहीं सकी। राहिल, मैं उसे रोक नहीं सकी। पता नहीं किस हाल में वो। तबरेज बाबा, आप? बुआ, लीज़े कहाँ है? अपने कमरे में है। कोई काम है तो आप मुझे बता दें। नहीं, कोई काम नहीं है। बस ये किताबें लीज़े को दे दीजिएगा और प्लीज ख्याल रहे ये बात अम्मी को या घर में किसी और फर्द को पता ना चले। नहीं नहीं तबरेज बाबा, मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, किसी को कोई खबर नहीं होगी। आपको अगर कोई बात भी कहनी है ना तो आप मुझे बता दें। बेगम साहिबा को कोई खबर नहीं होने दूंगी मैं। थैंक यू बुआ।